नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीनानाथ प्रजापति, मैं आपको दिखाने वाला आज हूँ जो हमारा नया प्लॉट आया है बंगलों के लिए, जो टोटल आपको 900 स्क्वायर फीट मिलेगा 30x30 का। तो प्लॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ जो कि आप लोग का बहुत, मतलब कि लेने का जो भी काफ़ी कस्टमर हमारे पास से रिटर्न जो गए हुए थे, हमारे उस वक्त पास में बुकिंग नहीं था। अभी हमारे पास जगह आ चुका हुआ है जो कि टोटल 20 बंगलों का जगह आया हुआ है। तभी लोग, जितने लोग हमारा चैनल देखेंगे, आप लोग को मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जो भी आपके दोस्त तैयार होंगे उनमें आप शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा 20 ही बंगलो है जिसमें के ऑलरेडी जो हमारे कस्टमर, जूनियर कस्टमर जो लाइन पे थे हमारे लोग, मतलब कि 5 से 7 लोग, 10 लोग जो भी लाइन पे थे जिसको लेने का इच्छा था बंगलो, तो वहाँ पर आप अभी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह आ चुका है बंगलों के लिए 30x30 का। आपको 900 स्क्वायर फीट में बंगलों मिलेगा। तो मैं आपको लोकेशन आज दिखाने वाला हूँ कौन सा बंगलों का लोकेशन है। तो लोकेशन जैसे कि आप लोग इसी लोकेशन पे, जो लोकेशन आप देख रहे हैं बंगलों यहाँ पर बना हुआ है, इसी लोकेशन पे आपको मैं बंगलों दिखाऊँगा। ये आपको काफ़ी क्लाइंट का फरमाइश था कि भाई रोड टच अगर बंगलों आएगा तो मुझे बताना। तो सर यही हमारा बंगलों का साइड था जो कि रोड टच पहले से ही था, जो कि रोड से थोड़ा दूरी थी, मगर अभी थोड़ा रोड से और करीब में आ गया है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जगह क्या आ रहा है। इसका रेट आपको जो पड़ेगा वो 25 लाख का टोटल रेट आएगा आपको। इसमें 25 लाख का रेट आने के बाद आपको इसमें 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करना है। 10 लाख ऊपर हम आपको चाबी देंगे। चाबी देने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट चालू हो जाएगा, 15,000 का इंस्टॉलमेंट रहेगा। और जितने भी हमारे जूनियर कस्टमर हैं उनको मैं बता दूँ, जो कि पहले से विजिट करके गए हुए थे, वो अभी कल से आप लोग आ सकते हैं, अपना बंगला बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि 20 ही बंगला है। 20 बंगला हमको लगता है कि एक महीना नहीं जाएगा, एक महीने में बुकिंग हो जाएगा। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो सर पहले ही आके बुकिंग करा सकते हैं आप लोग। तो मैं अभी लोकेशन दिखाता हूँ, जैसा कि मैं दिखाता हूँ आपको लोकेशन। ये लोकेशन जो पहले बंगले का हमने बुकिंग किया था, आज इसका भी मार्किंग हो चुका है क्योंकि होली हो गया, होली में सभी वर्कर गए थे गाँव, तो उनका मार्किंग हो चुका है। देख रहे हैं ये मार्किंग सब हो चुका है, जितना बंगलो था ऊपर तक मार्किंग गया हुआ है। इन लोग का अभी 2 दिन में काम चालू हो जाएगा, फाउंडेशन वगैरह काम हमारा चालू हो जाएगा। जैसे 2 दिन में वर्कर आ जाएंगे, अभी 15 तारीख को बोल रहे थे वर्कर लोग आएंगे, तो उसी वक्त ये काम चालू करने का हमको, इस बंगलों का जो कि पहले का बुकिंग हमारा हुआ था उन लोग का। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि लोकेशन कौन सा आ रहा है। रोड टच आपके सामने, देखिए रोड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं रोड टच है एकदम। बंगलो मैं दिखा देता हूँ, बंगलो आपको पहले भी बताया था, आपको अभी भी बता रहा हूँ। बंगलो जो है अंदर का आप चेंजेस कर सकते हैं कि आपको जैसा चाहिए वैसा आप अंदर का चेंजेस कर सकते हैं। हम तो बना के देते हैं ऊपर 1 BHK, नीचे 1 BHK, अब पार्किंग वगैरह देता हूँ। मगर आपको अगर चाहिए कि नीचे हमको हॉल और किचन टॉयलेट बाथरूम, जैसा आपका ड्राॅइंग रहे उस हिसाब से आपको बना के मिल जाएगा यहाँ पर बंगलो। अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी क्लाइंट इसमें भी आ गया है रहने के लिए, और सामने वाले में भी क्लाइंट आ गया रहने के लिए, और जो लास्ट वाला था वो पहले से आया हुआ था। और ये जो रास्ता आ रहा है, ये 10 फीट का बंगलों के, दोनों बंगलों के बीच में 10 फीट का रास्ता आएगा, इस तरह देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये जो रास्ता है ये 12 फीट का टोटल आएगा, देख रहे हैं ना, ये टोटल 12 फीट का रास्ता आएगा। और ज़मीन की बात करूँ तो आप लोग का बहुत रिक्वायरमेंट था कि इसी जगह पर अगर रहेगा तो हमको आप बताइए, तो हमने जगह ये परचेस कर लिया हूँ। अभी आपको इसी जगह पे आपको मिल जा रहा है बंगलो, ये देख सकते हैं यही हमारा प्लॉट है, इसमें टोटल 20 बंगलो आ रहा है। बंगलो के बाजू में ही बंगलो बैठ रहा है, यहाँ पर टोटल 20 बंगलो आ रहा है। तो आप लोग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आके परचेस कर सकते हैं हमारे से। और हमारा मोबाइल नंबर आपको जैसे बताया था 7387633 पे आप कॉल करके आइए। सामने मैं आपको रोड भी दिखाता हूँ आज कितना करीब में रोड है। और स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस जैसा कि आपको मैं पहले ही बताया था, 7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा स्टेशन से आने के लिए। और जो बाहर से लोग आते हैं, आपको बता दूं जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारा कल्याण से 4th स्टॉप लगता है खड़ौली स्टेशन, और टिटवाला से अगला स्टॉप लगता है। तो आप लोग जब भी आने को तो आप मुझे लोकेशन बोलेंगे, लोकेशन आपको मैं शेयर कर दूँगा, बता दूँगा, और आप लोग आ सकते हैं देखने के लिए, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अगर बंगला आपको अच्छा लगे तो आप बुकिंग कर सकते हैं, इसका
25 लाख कॉस्टिंग जा रहा है, मगर ये आपको फ्लैट से सस्ता समझ लो मिल रहा है। ये जगह के साथ में आपको आ रहा है बंगलो, रोड टच आ रहा है सर। तो मैं अभी दिखाता हूँ कौन सा रोड कैसा है। ये सामने देख रहे हैं यही रास्ता है, और मैं आपको आज एक नया डिज़ाइन का दिखाऊंगा जो हमारा बंगलो बना हुआ है, क्योंकि जितने बंगलो बने हुए हैं यहाँ पर सब अलग अलग बने हुए हैं। मैं जैसे कि मैं आप हमारे अगले वीडियो में आप देखे होंगे, तो एक हमने आपको दिखाया था नीचे हॉल और ऊपर दो बेडरूम वाला दिखाया था, और दूसरा आप मेरा वीडियो देखे होंगे जो कि ये बंगले का है, नीचे 1 BHK ऊपर 1 BHK। अभी मैं तीसरे बंगले को मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जो कि ये भी अलग बना हुआ है। मतलब जितने बंगले आएंगे सब अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। आप भी अगर बंगला ऐसा लेंगे तो आपको ऐसा बना के मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा गेट आ गया, देख रहे हैं फ्लोरिंग ला दी। यहाँ पर देख सकते हैं जगह कितना स्पेस है, ये देखिए। और सामने का मैं आपको जगह दिखाता हूँ, देखिए ये ढोलपुरी ला दी सामने आ जाए। ऊपर 4 सीलिंग लाइट वगैरह लगा के आपको मिलेगा, जैसा कि ये देख रहे हैं वॉल लाइट पर। इतना खूबसूरत लगता है, रोड टच है बंगलो हमारा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो मैं आपको साइड का पहले दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ भी साइड कितना स्पेस है, ये देख सकते हैं चारों तरफ से आपको स्पेस मिल रहा है। देखिए पीछे भी आपको मिल जा रहा है स्पेस, इसके बैक साइड में जाएंगे तो वहाँ भी पीछे मिल जाएगा स्पेस। इनका सीढ़ी अंदर से है, वो भी मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, अंदर से बना हुआ कितना खूबसूरत बनाया हुआ है ये भी घर। आपको देखिए यहाँ पर मेन डोर और सेफ्टी डोर लगा के मिल जा रहा है, और यहीं से बाहर का पॉइंट मिल जा रहा है लगा के, देखिए देख सकते हैं ये बाहर का ही पॉइंट यहाँ से है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको हॉल के अंदर, तो ये देखिए अभी मैं आ गया हूँ बंगलो के अंदर। ये बंगलो जो है थोड़ा मतलब बहुत अलग बना हुआ है, तो ये चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ कि अंदर से सीढ़ी लेने के बाद आपका यहाँ क्या क्या शोकेस आ जाएगा। ऊपर 3 बेडरूम इन्होंने लिया हुआ है, 3 बेडरूम का मैं वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। 3 बेडरूम कैसे है इसका देखिए, पहले मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ सामने दरवाजे से अंदर एंट्री किया आप इस तरह, यहाँ पर सामने इन्होंने टीवी ले लिया है, टीवी पे यहाँ पर आ गया है। ये इनका शोकेस बना हुआ है सीढ़ी के नीचे, देख लीजिए मतलब यहाँ स्टोरेज कुछ भी सामान हुआ स्टोरेज आप कर सकते हैं। ये फ्लोरिंग लादी लगा हुआ है, यहाँ एल साइज सोफा आपका बैठ जा रहा है फर्स्ट क्लास। ऊपर सीलिंग की बात करूँ तो आपको 4 सीलिंग मिल रहा है, फाइबर सीट मिल जा रहा है, झूमर का पॉइंट, 2 पंखे का लाइट मिल जा रहा है, 2 पंखे का पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर MCB बोर्ड आ रहा है, बिल आपको अलग मिल जा रहा है। अब किचन के अंदर मैं एंट्री करता हूँ, जो हॉल से अटैच में किचन है वो चीज़ भी आप देख सकते हैं। ये देखिए किचन आपको चाहिए तो इतना बड़ा बना के आप ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एल साइज में किचन आपको मिल जा रहा है, इसको टोटल फुल ला दिए देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा बर्तन का पूरा आ जा रहा सेट, ऐसा आपको चाहिए ऐसा भी मिल जाएगा आपको। यहाँ सामने टॉयलेट और बाथरूम आ रहा है, ऊपर देखिए पानी का टंकी प्लस बर्तन वगैरह जो रखने का है वो सामान स्टोरेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं ऊपर को आपको रूम दिखा देता हूँ किस तरह बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से हमारा अंदर से हॉल के अंदर सीढ़ी है, देखिए ये अंदर से सीढ़ी बनाया हुआ है। यहाँ पर सामने पहले आप आएंगे बालकनी के अंदर आएंगे, बालकनी में मिल जा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बालकनी है और ग्रिल बहुत खूबसूरत लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जगह मिल जा रहा है, सामने का बंगलो आप देख सकते हैं, दूसरा भी बंगलो यहाँ पर सामने आप देखिए। ये रोड टच मतलब आपको जैसा बताया था रोड टच, देखिए बस वगैरह जा रही है, गाड़ी है पूरा सामने, पूरा ये देख रहे हैं जितना बन रहा है सब पूरा मार्केट बन रहा है। यहाँ पर पूरे दुकानें आएंगे रोड पे साइड में, आपको जस्ट बाजू में बंगले आ रहे हैं और जस्ट में एकदम स्टेशन आपको करीब मिल जा रहा है। अभी मैं बेडरूम के अंदर एंट्री करता हूँ, बेडरूम दिखाता हूँ मैं एक आपको, एक एक दिखाता हूँ बेडरूम। यहाँ भी आपको दरवाज़ा लगा हुआ है, जाने दो लॉक लगा ये, यहाँ पर सामने टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट बाथरूम दोनों आ रहे हैं, ये देख सकते हैं ये दोनों अटैच में लिया हुआ है। और यहाँ पर 3 बेड आ रहा है, ये देखिए सब जितने बेड आएंगे सब बड़े बड़े आएंगे सर, ये देख सकते हैं यहाँ पर बेड आ रहा है, ऊपर भी 4 सीलिंग करके आ गया, एक हैंग पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पर। मैं दूसरा बेड दिखा देता हूँ आपको, ये पैसेज है, पैसेज में आपको भी कुछ जैसे कि फोटो वगैरह लगा मैंने, तो सीलिंग में लाइट वगैरह लगा के दिया हूँ, देख ले
यहाँ पर देखिए, ये भी बेडरूम है। देखिए कितना, मतलब 6x6 का बेड रखा हुआ फिर भी स्पेस कितना है देख सकते हैं आप। और यहाँ पर अलमारी आ जा रहा है पूरा कपड़े का, ये देख सकते हैं। ये 3 बेडरूम है, पहला जो एक बेडरूम है ये लॉक मार के गया हुआ है लड़का ने, तो ये बेडरूम उसका उनके लड़के के सेपरेट बेडरूम है, उसने अपना खुद का लॉक मारा है। इस तरह हमारा मतलब यहाँ पर बंगलो का है। तो इस तरह जैसा कि मेरा बंगलो देख लिया आप यहाँ पर, अभी आपको टोटल कॉस्टिंग मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, टोटल आपको 25 लाख पड़ रहा है। 25 लाख 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे आपको चाबी मिल जा रहा है। चाबी मिलने के बाद आपका जो पेमेंट रह जाएगा वो भी आपको 15-15 हज़ार करके इंस्टॉलमेंट पे भरना है। इस तरह हमारा बंगलों का प्रोजेक्ट है। ये आपको फ्लैट सस्ता मिल रहा है, क्योंकि मिल रहा है कि आपको फ्लैट में लाने जाएंगे तो 1 BHK आपको 25 से 30 लाख तक पड़ता है। यहाँ आपको मैं बंगले दे रहा हूँ जो कि 1 BHK नीचे, 1 BHK के ऊपर ग्राउंड +1, तो आपका यहाँ पर 2 फ्लैट हो रहा है। अगर आपको रहना है तो एक भाड़े दे दीजिए, एक खुद आप रह सकते हैं। इस तरह हमारा बंगलों का प्रोजेक्ट है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए, क्योंकि 20 टोटल 20 ही बंगलो है। ऐसा ना हो कि फिर आप लोग पीछे हो जाएं, जब भी हमारे पास सेल आउट हो जाता तो आप लोग आते हैं तो आप लोग को मिल नहीं पाता है सही समय पे। तो अभी 20 बंगलो है, जो जो पहले से विजिट कर गए हैं वो सभी लोग फटाफट आके बुकिंग कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो बने रहे, आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे जगह में लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए भूल ही गया था, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रोड था कैसे आ रहा है, किस तरह आ रहा है, वो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटे बंगलों का लाइन है जो कि, और एक कस्टमर इसमें आ गए हैं रहने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये 20 फीट का रास्ता आ रहा है, देख रहे हैं, ये टोटल 20 फीट का रास्ता आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारा बंगलों का लोकेशन यही है, यही साइड में आपको 20 बंगलों बना के टोटल मिलेगा आप लोग को। तो मैं आपको अभी ये जगह दिखा दिया, अभी मैं रोड पे आप दिखा देता हूँ कितना दुकान है। और नए दुकान तो बहुत सारा खुल रहे हैं, तो यही चीज़ मैं आपको भूल गया था रोड दिखाने के लिए, तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लादी वाला दुकान है, देख लीजिए सामने, रोड भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रोड टच है सर, यही रोड है सामने, देख रहे हैं रास्ता, और यही अपना साइड देख सकते हैं बंगलों का साइड, और यही रास्ता। मैं सामने से मैं दिखा देता हूँ कितनी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये रास्ता है अपना आने जाने के लिए, खड़ौली स्टेशन से आपको आना है साइड से, और साइड अपना एकदम पास में है, इस तरह आएगा। ये देखिए कितना चहल पहल है यहाँ पर, ये सब दुकानें हैं, देख रहे हैं लाइन से दुकानें खुली हैं। यहाँ पर आपको टाइल्स वाला मिल जाएगा दुकान, और उसके बाद यहाँ पर हार्डवेयर वाला है, इलेक्ट्रिक वाला है, यहाँ पर पतरा पाइप मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर लेना है आपको बर्तन बिर्तन के लिए, ये सब दुकानें हैं आपको मिल जा रही है, देख रहे हैं बर्तन की दुकानें आ गए। यहाँ पर दर्जी का एक दुकान आ रहा है, देख सकते हैं, ये शोकेस में पूरा कपड़े का है। और यहाँ पर हार्डवेयर है, देख सकते हैं यहाँ पर हार्डवेयर आ रहा है, ये देखिए। और सामने लाइट ऑफिस है जो कि, और गैस एजेंसी का है। और उस तरफ हमारा सामने जो पीला पीला कलर दिख रहा है वो हमारा चाली है पूरा, और ये रास्ते का लोकेशन है। और सामने आपको जस्ट गैरेज मिल जा रहा है जो कि 2 व्हीलर 4 सीलिंग वाला PUP वाले का है, वही मिल जा रहा है, एकदम रोड टच आपको मिल जा रहा है इस तरह, देख सकते हैं।
तरह हमारा है, जो मैं आपको दिखाने के लिए भूल गया था वो चीज़ मैं आपको दिखा दिया। तो हमारे वीडियो वैसे बने रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लेके आता हूँ, लाता रहूँ, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि जो लोग बंगले नहीं ले पाए वो ले लें, क्योंकि लास्ट हमारा 20 बंगलो ही है, इसके आगे बंगलो नहीं है। तो जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप लोग आके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।